क्या लेके आए हो? दही बल्ले। यहाँ की वर्ल्ड फेमस होती है ये वाली मिठाई और ये सिर्फ यहीं पे बनती है। पूजा हो चुकी है भाई और हमने खाया प्रसाद। जो प्रसाद में मजा आता है ना, मतलब ऐसी खीर कहीं पे बनती नहीं। अपने भाई का गाना भी लॉन्च हो चुका है, उसका सीन मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कौशिक दी ट्रैवलर में। और आज के दिन की शुरुआत अपनी हो चुकी है अपने दोस्तों के साथ, नितिन और संगम के साथ। वो लोग भी अभी आ रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ पर। और आज के दिन में क्या हुआ था, हमने सुबह धोई थी गेहूं और धोने के बाद ऊपर सुखाने डाली थी, तो बहुत सारे कबूतर आ रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बहुत सारे कबूतर आए हुए हैं ऊपर। मस्त लगते हैं जब मैं ऊपर जाता हूँ ना, तो एकदम उड़ से उड़ते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं। लेकिन उनका शॉट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एकदम से उड़ जाते हैं देखते ही, थोड़ी सी आवाज़ सुनते ही। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उनका शूट लेने की। एक देखो युवा, ये अपनी छत का व्यू। और ये सारे कबूतर ना, ये जितने भी हैं बहुत सारे हैं, ये यहाँ पे ना गेहूँ सुखाई हुई है अपने। ये गेहूँ सुखाई है ना, इस पे आए हैं सारे कबूतर। देखो आज तो गेहूँ गई समझो भाई, गई समझो। चारों तरफ कबूतर ही कबूतर हो गए सिर्फ एक गेहूँ के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम चला हुआ है ना, कुछ खाने को नहीं मिलता। संगम भैया, क्या लेके आए हो? दही बल्ले। क्या बात है, अब तो दही की फेवरेट डिश। कई लोग हमारे किचन में घुस जाते हैं, दही बल्ले। इतनी परमिशन दी हुई है इनको, सीधा आते हैं और किचन में घुस जाते हैं एकदम। अभी ये दही बल्ले खाएंगे भाई सब लोग बैठ के। हम लोग चाह रहे हैं, मम्मी और ये दोनों भाई और मैं, तो ये चम्मच भी ले आए हैं, मतलब घर के बर्तन खराब नहीं होंगे। ये आ गए दही बल्ले भाई, दही बल्ले। ये देखो भाई अपने दही बल्ले, आज की पार्टी नितिन के नाम। हम आए हैं भाई रिंकू भाई की शॉप पे। यहाँ पर ये होलसेल का काम है, यहाँ पर 2 महीने का ही काम होता है। हमारे पुंडरी जो शहर है ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ की वर्ल्ड फेमस होती है ये वाली मिठाई, और ये सिर्फ यहीं पे बनती है। और यहीं की फेमस है, यहाँ से बन बन के अमेरिका, कनाडा, दूर दूर से लोग जो भी आते हैं वो सब लोग लेके जाते हैं। ये सिर्फ 2 महीने जो सावन का महीना है ना, इसी में होता है, इसी में काम होता है इसका। पूरे पुंडरी में ये काम होता है, पूरे शहर में सब जगह ना यही मिठाई बनती है। आपको दिखेगी, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, जो साउथ से देख रहे हैं या और कहीं से देख रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है। लेकिन हरियाणा वाले सब जानते हैं कि पुंडरी की मशहूर फिरनी होती है, बहुत फेमस है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो कैसे बनती है। पीना भाई, जिसमें मैदा तैयार होता है ना, इसके अंदर मैदा पानी डाल दो, अपने आप आटा तैयार। चला के दिखा दे रहे एक बार, ऐसे घूम के और मैदा आटा तैयार। ऐसे ही इधर घी घी भी इसके लिए स्पेशल बनाना पड़ता है, बिल्कुल फोम टाइप का। तो भाई यहाँ पर ना फ्राई हो रही है ये, यहाँ पे लास्ट प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसको बनाने का, लेकिन ये फ्राई हो रही है और यहाँ पर ये बन के आ रही है ये वाली टोकरी में, देखो। और यहाँ पर आगे स्टव में लग जाती है। सब बनकर तैयार हुई रखी हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारी बनकर तैयार होकर रखी हैं। इनमें मीठा लगना बाकी है, ये अभी फीकी हैं, ये सारी फीकी रखी हुई है यहाँ पर। लंबा प्रोसेस है, मैं सारा दिखाऊंगा तो मेरे हिसाब से ना वीडियो ही 10-15-20 मिनट की बन जाएगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस होकर यहाँ पर फाइनल मैंने आपको दिखाया कि ऐसे बन के आती है। और उसके बाद लगता है इसमें मीठा, मीठा लगने के बाद बन जाती है बहुत बढ़िया मिठाई। और इसमें लेबर भी बहुत लगती है, बहुत लोग मिलकर काम करते हैं तब ये काम होता है, बहुत लंबा चौड़ा काम है भाई। कल हमको करवाना है शिव अभिषेक, उसके लिए सामान लेने आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि संगम भाई को कल अभिषेक करवाना है। कल को हम वहीं पर रहेंगे, तो ये व्लॉग आज तो पूरा होगा नहीं, तो कल को इसको पूरा करेंगे। 2 दिन की वीडियो एक दिन में करके आपको दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। हम लोग लेने आए हैं यहाँ पर भांग धतूरे, यहाँ पर सड़क पे, क्योंकि हम लोगों को कल करवाना है अभिषेक, उसके लिए ज़रूरत होती है भांग धतूरा। ये धतूरे के भी फल हैं, ये लेके यहाँ से सड़क से जाएंगे। और अभी सनसेट का हो रहा है टाइम, साथ में चल रही है कांवड़ यात्रा। और कांवड़ यात्रा ना भाई साहब इतनी सॉलिड चल रही है, अबकी बार पूरी भीड़ है सड़कों में, बहुत बहुत सॉलिड भीड़ है भाई सड़कों पे ना कांवड़ यात्रा की, बहुत सॉलिड वाली, मतलब लोग बहुत दबा के लोग आ रहे हैं। दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं आके जरूर देख के जाता है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा का सीन बहुत अच्छा होता है, हर बार मैं आता हूँ। लोगों ने कैंप लगा रखे हैं, उसके भी कुछ सीन मैं आपको अभी डाल के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये लेके चलते हैं, क्योंकि सनसेट का टाइम हो रहा है और सूर्य डूबने के बाद हम लोग पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाते हैं, ना उनके पत्ते वगैरह तोड़ते हैं, तो उससे पहले हम ले लेंगे इनको जल्दी से जल्दी। और सनसेट का भी एक बार मैं आपको सीन दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के दिन की हो चुकी है शुरुआत और आज हमको जाना है मंदिर, क्योंकि संगमय ने वहाँ पर अभिषेक करवा रखा है। वहाँ पे जाना है, अभिषेक में जाना है और आरती करनी है, प्रसाद लेना है। सब काम हम करेंगे, आपको भी कुछ ना कुछ दिखाएंगे। तो उससे पहले कल मैंने आपको कांवड़ यात्रा दिखाई थी, बहुत मस्त कांवड़ यात्रा थी भाई, बहुत क्राउड था कांवड़ यात्रा को। सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो, और उसके बाद अब हम जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। पर आप पहले वो क्लिप देखें जो रात को मैंने शूट की थी शिव मंदिर में। हमारे यहाँ पर 11 रुद्र हैं, यानी 11 शिवलिंग इकट्ठे हैं, तो उसको पहले आप देखें, वो आपको एक छोटा भी दिखाई देता हूँ मैं यहाँ के। आपके 11 रुद्री मंदिर, हमारे शहर का जो मंदिर है ना, 11 रुद्री फेमस मंदिर है, यहाँ के दर्शन करवाता हूँ। देखो क्या, अंदर नहीं जा सकते आज, मैं आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ। श्रद्धा चमी, जगत चमी, धनं चमी, विश्वं चमी, महा चमी, क्रीडा चमी, मोदा चमी, जातं चमी, जानकी मानं चमी, सुतं चमी। पूजा हो चुकी है भाई और हमने खाया है प्रसाद। जो प्रसाद में मज़ा आता है ना, मतलब ऐसी खीर कहीं पे बनती नहीं, लेकिन जो प्रसाद की जब हम लेके खाते हैं ना भाई, उस जैसा टेस्ट वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। प्रसाद हमेशा प्रसाद ही होता है। मज़ा आ गया आज शिवरात्रि पर भगवान के दर्शन करके, भगवान की पूजा करके ना, बहुत दिल को संतुष्टि मिली है। अब थोड़े से काम और हैं, वो और कर देते हैं, उसके बाद फ्री हैं हम लोग। तो भाई हम लोग आ चुके हैं पूजा करवा के घर, और अपने भाई का गाना भी लॉन्च हो चुका है, उसका सीन मैं आपको दिखाता हूँ। उसका लिंक आपको मिलेगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। शेयर करना, उसको देखना, उसको सुनना, स्टोरी बहुत अच्छी है। मेरे रियल ब्रदर हैं अपूर्व कौशिक, तो उनका गाना है, मैं आपको एक बार छोटा सा सीन उसका दिखाता भी हूँ। बहुत भाई ने खुद गाया है और खुद ही एक्ट किया है, दोनों ही चीज़ उसने खुद की है। ऐसा सॉन्ग मैंने छोटा सा डाला है, क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने छोटा सा डाला है। तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और इस पर बहुत सारी कमेंट करें, अपना प्यार इस पर गाने पे बनाए रखें। गाना एक्चुअली बहुत अच्छा है और स्टोरी जो है ना वो बहुत अच्छी है भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है। तो भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, वीडियो देख रहा होगा तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई। तो भाई आज फिर हम आए हैं यहाँ पर बंदरों को दाना डालने के लिए, यानी कि हम लेके आए हैं चने भिगो कर लेके आए हैं, 20-25 किलो के आसपास होंगे। तो बंदर ना अभी नहर के उस वाली साइड पे हैं और हम उनको बुला रहे हैं अभी, वो संगम भाई आवाज़ लगा लगा के बुला रहे हैं उनको। तो देखो वहाँ पे खड़े हैं और इस पुल को पार करके आएंगे बंदर। अभी एक भी नहीं है, थोड़ी देर में देखना बहुत सारे बंदर होंगे यहाँ पे। और इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं भाई, हमने पूजा की है, बहुत अच्छे काम किए हैं। और भाई का आया है गाना, वो भी आपने देख लिया, उसको ज़रूर से देखना, याद करके देखना, बहुत अच्छा गाना है, भाई को सपोर्ट करना है। तो ये सब काम आज कल हमने किए हैं, बहुत अच्छा रहा है ये दिन। ये आ गया बंदर और इसको मिला पॉलीथीन, ये पॉलीथीन के साथ खेलने में बिजी है, ये बैठे हैं। और भी बहुत सारे हैं भाई आज, पता क्या, आज ना मंगलवार है, इस कारण से कम खाते हैं मंगलवार को। ये देखो एक वो है, ये दारा सिंह जो है ना, ये वाला लोगों को ना खाने को आता है। ये आ गए बहुत सारे बंदर, अब इस जंगल में से निकल निकल के आएंगे और सब खा लेंगे A to Z, एक एक दाना। इस जंगल में से निकल के आते हैं बाहर। तो भाई जो जो आज मैंने किया है वो आप सब आपको दिखाया है, आपको पता है आपको करना है क्या। आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब और दबा के करनी है कमेंट। जो जो मैंने किया वो सब कुछ आज को मैंने आपको दिखा दिया है। अभी वीडियो के एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। Walking alone, the streets are empty, the only thing I can see